अस्सलाम वालेकुम इन्फो हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नादरा की वेबसाइट में ऑनलाइन पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाने के लिए जो आईडी बनाते हैं वो किस तरह से बनाई जाती है और उसको लॉगिन कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो सिंपली हम क्रोम ब्राउज़र पर चलते हैं, तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे id. तो मैंने पहले ही सर्च किया हुआ था तो मैं उसी पे सर्च कर लेते हैं। ये id.nadra.gov.pk वेरिफिकेशन ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद ये इस तरह से कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने फिर इसको दोबारा वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, उसको दोबारा आपने ओपन करना है। उसके बाद ये नादरा की जो वेबसाइट है वो आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद सिंपली आपकी राइट साइड पे ये ऊपर माइनस का निशान दिया हुआ है, जहाँ पे सर्च का ये आइकन आ रहा है वहाँ पे माइनस का निशान दिया, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो नीचे ये होम के नीचे अप्लाई नाउ और लॉगिन का साइन आ रहा है, यहाँ लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर एन अकाउंट और लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप ये लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमने नया अकाउंट बनाना है तो हम रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर एन अकाउंट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आके अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद नाम सरनेम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर आपके पास सिम कौन सी है, नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद ईमेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में आपने ये लिखना है कि पहला नंबर जो है ABC का वो बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटी ABC का एक छोटा लफ्ज़ लिखना है, उसके बाद आपने जो गिनती है उसके 3-4 लफ्ज़ लिखने हैं, यानी कि ये टोटल ये 8 हिस्सों का पासवर्ड होना चाहिए। और उसके बाद एक स्पेशल लफ्ज़ लिखना है, स्पेशल करेक्टर लिखना है, यानी कि उसमें @ हो जाए या स्टार लिख दें लास्ट पर या हैश लिख दें, इनमें से कोई चूज़ कर लें। तो लास्ट पे ये लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट पासवर्ड ऐसा एक्सेप्ट होता है। उसके ये लिखने के बाद दोबारा रीटाइप करेंगे पासवर्ड, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपके सामने शो हो रहा है वो लिखने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये मैंने फिल कर दिया, अभी हम इस पर ये जो कैप्चा कोड है वो लिखेंगे। लिखने के बाद हम सिंपली नेक्स्ट करेंगे। ये जो मैंने नेम लिखा है ये बोल रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो इस नाम पे आईडी नहीं बनेगी, हम नाम चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये हमारी आईडी अभी बन चुकी है, अब हम इसको पासवर्ड को जो है सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम बैक टू लॉगिन पे जाएंगे। बैक टू लॉगिन पे जाके हम वही आईडी और पासवर्ड इधर लगाएंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा, हमें अभी जो है ईमेल पे जाना पड़ेगा। ईमेल पे जाएंगे तो हम चेक करते हैं, वहाँ पे हमें ये पाक आइडेंटिटी की तरफ से जो ईमेल है मेल आई हुई है वो ओपन करेंगे। ये देखें जी, मुझे ये मेल आई हुई है, तो ये वेरिफिकेशन कोड भी आया हुआ है। मैं इसको कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, क्रोम के ज़रिए हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें जी, ये हम अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन कोड जो आपके उस पर जाएगा ईमेल पे जाएगा वो इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद ये कैप्चा कोड आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आप फिर इसको आप नादरा की वेबसाइट पे जाके आप लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने वेरीफाई कर लिया, ये देखें ये और एक्टिवेशन प्रोसेस हैज़ बिन कम्प्लीटेड, प्लीज़ लॉग इन विद योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद आपने जो अपनी ईमेल लगाई थी और पासवर्ड रखा था उसको आपने यहाँ पे लिखने के बाद ये जो कैप्चा कोड है वो लिखने और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको फिर लॉगिन करके एक बार फिर दिखा दूँ। ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लें जी, जब लॉगिन हो जाएगा तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नादरा की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ से आपने अगर आपने कोई शनाख्ती कार्ड पे न्यू एप्लीकेशन
करनी है। अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करनी है, अगर आपने न्यू बनवाना है तो न्यू एप्लीकेशन यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी न्यू एप्लीकेशन ये कर सकते हैं। इसके लिए बारे में मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। नादरा की तरफ से एक ऐप भी मुतारफ़ कराई गई है, आईडी है नादरा आईडी के नाम से, नादरा आईडी के नाम से एक एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है, जिसके अंदर आपको अभी पहले ये होता था कि अगर आप शनाख्ती कार्ड नादरा की वेबसाइट से बनाते हैं या पासपोर्ट बनाते हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट का फॉर्म जो है वो निकाल के उसके ऊपर फिंगर लगा के तो फिर वो फॉर्म को अपलोड करना पड़ता था। अभी वो झंझट ख़त्म हो गई है, आपने सिंपली वो जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद पहले आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप अपना ये डाटा देंगे, आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं उसमें जो चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं, या जो पहले का बना हुआ है वही सिंपली वही बनाना चाह रहे हैं, नाम वगैरह चेंज तो नहीं करवाना चाह रहे। अगर करवाना चाह रहे हैं तो सारा ये इधर लिखा होता है, यहाँ से करके वो फिर वो यही आईडी वो उस ऐप पे जाके लगाएंगे तो जो आप ये पहले जो आईडी हमने बनाई है वो उस ऐप पे वो ओपन हो जाएगी, वो ट्रैकिंग नंबर ऊपर आ जाएगा और आपने जो अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगा सकते हैं। ये नहीं कि पहले जो होता था कि जो जो पिक्चर नादरा के आ जाती थी वो किसी का मुंह इधर होता था, वो कलर नहीं अच्छा आता था तो पिक्चर अच्छी नहीं आती थी। आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर भी लगा सकते हैं, गैलरी में से निकाल के भी लगा सकते हैं और उसमें से कैमरे के ज़रिए खींच के भी लगा सकते हैं। तो सिंपली फिंगर के लिए आपने वो एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहाँ पे फिंगर का ऑप्शन दिया हुआ है, उस कैमरे के नीचे अपने अपना हाथ करना है, वो कैमरा खुद ही आपके जो फिंगर है वो कैप्चर कर लेगा। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक दो दिन में अलग-अलग वीडियो बना के वो भी अपलोड करूँगा, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रैक्टिकली मैं आपको बना के जो तो अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।